साथियों, पिछले कई महीनों से राजस्थान की लाल डायरी बड़ी चर्चा है, बड़ी सुर्खियों में है। लाल डायरी में कांग्रेस के अपने ही नेता ने कांग्रेस के कुशासन की इस कथा को पूरे विस्तार से लिखा है और तभी तो मुख्यमंत्री का अपना बेटा ये लिखकर देने को तैयार है कि पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली। पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली। अरे गहलोत जी, क्या हो गया? आपका जादू आपके बेटे पर भी नहीं चल रहा है क्या? और इसलिए तो भाजपा जो कहती है ना, गहलोत जी कौन ही मिले वोट जी, ये उनका बेटा भी वही कह रहा है। अब तो बेटे ने ही बोल दिया है, पापा जी कौन ही मिलो वोट जी। तो मारवाड़ के, नागौर के आप युवा साथी मुझे बताएं, ये पापा की सरकार को विदाई देंगे क्या? ये जादूगर की सरकार को विदाई देंगे क्या? सीएम के बेटे की इच्छा पूरी करेंगे ना? पक्का करेंगे? मेरे परिवारजनों, एक तरफ कांग्रेस के पास लूट का लाइसेंस है, वहीं दूसरी तरफ मोदी का गारंटी कार्ड है। आपका किस पर भरोसा है? आपका किस पर भरोसा है? मोदी के गारंटी कार्ड पर पूरा देश भरोसा करता है तो उसके कुछ ठोस कारण है। हवाबाजी नहीं है, जमीनी सच्चाई है। और एक एक गारंटी पूरा करने के लिए समय का प्रत्येक पल दिन रात आपको किए हुए वादे पूरे करने के लिए खपा दिए हैं। भाजपा ने गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाएंगे, 370 हटाएंगे। मोदी ने गारंटी पूरी की कि नहीं की? मोदी ने गारंटी पूरी की या नहीं की? भाजपा ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। ये गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? ये गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? आन बान शान के साथ पूरी हुई कि नहीं हुई? भाजपा ने गारंटी दी थी कि तीन तलाक को खत्म कर देंगे, तीन तलाक को खत्म कर देंगे। मोदी ने ये गारंटी पूरी की या नहीं की? जरा माताएं बहनें बताइए, पूरा किया कि नहीं किया? माताओं बहनों की इज्जत बचाने का काम किया कि नहीं किया? मुस्लिम कन्याओं को सम्मान दिलाने का काम किया कि नहीं किया?
मुस्लिम बेटी के बाप को चैन से नींद मिले ऐसा काम किया कि नहीं किया? और कुछ लोगों को लगता है मैं जब तीन तलाक की बात करता हूं तो सिर्फ मैं मुस्लिम महिलाओं के लिए कह रहा हूं, वो तो है ही। जब तीन तलाक का कानून बना तो मुस्लिम मां बाप, बहन का भाई, उनको भी सहायता मिली कि अच्छा हुआ अब बेटी को शादी करके भेजेंगे और 8-10 साल के बाद बेटी वापिस नहीं आएगी। बहन को शादी करेंगे और तीन तलाक के कारण वापिस नहीं आएगी, भाई भी खुश है, पिता भी खुश है और वो बेटी भी खुश है कि इतने सालों के बाद उसको सम्मान से जीने का अवसर मिला है। ये मोदी की गारंटी होती है। भाजपा ने गारंटी दी थी कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देंगे। आप मुझे बताइए ये गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई?